pegar outra nota. Tá ali. Porque tá muito curtir crer na for point devido pra. Aí tu vai matar, volta também. Muito da tua vida, tanto está, que não é possível. Nessa rata, vou no papo do pai, cara. Vou, não dei, nem tudo de barco. Next coach ali, vou find the sum. Find the sum. S is equal to 9 plus 99 plus 999 plus 4 times 9 and so on. The series will continue till 9999 and 10 times. And last one I did here is 9 to 8 times. You have to find the sum of this series. At present, this is not a GP. At present, this is not a GP. Okay? Common ratio is not constant. If third term of a GP is 2 by 9, if GP of the third term is 2 by 9 and the sum of infinite term is 3 by 2. Sum of infinite term, S infinity is 3 by 2. Find the series. Third term we have, or sum of infinite terms we have, you have to find the series. Thank you.
इक्वेशन लिखो बस दो वेरिएबल्स ए और आर टी थ्री टी थ्री ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर इज टू बाय नाइन एंड सम ऑफ इंफिनिटी ए अपॉन वन माइनस आर दिस इज गिवन एज थ्री बाई टू जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशंस डिवाइड करो ए आर में क्वाड्रेटिक बनेगा आर की दो वैल्यूज आएंगी करो इधर से एक याद एक याद से बोलो ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी या फिर डिवाइड करो तो ये हो गया ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए और ये ऊपर चला जाएगा वन माइनस आर इज इक्वल टू टू बाई नाइन डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाय टू बाई थ्री का हो गया बस आ रहा है तो अच्छा ये तो डायरेक्टली आर क्यू कितना वैल्यू आ रहा है इससे आर का क्या क्या वैल्यू आ रहा है जल्दी कैलकुलेट करो आर का वैल्यू आएगा तीन वैल्यू आएगा क्यूबिक है नॉट क्वाड्रेटिक दिस इज क्यूबिक बेसिकली क्योंकि ये क्या लिखा है आर आर स्क्वायर इंटू वन माइनस आर तो क्यूबिक है इज इक्वल टू फोर बाय ट्वेंटी सेवन इसके तीन रूट्स आएंगे एक आएगा टू बाय थ्री और एक माइनस वन बाय थ्री और एक आएगा अगेन टू बाई थ्री टू बाई थ्री इज रिपीटेड टू तो दो वैल्यू आई आर की टू बाई थ्री एंड माइनस वन बाई थ्री तो उनके करस्पॉन्डिंग ए निकाल लेंगे इसमें रख के सीरीज बनेंगे भाई दो तो आई विल टेल द आंसर फॉर द फर्स्ट सीरीज ए इज हाफ आर इज टू बाई थ्री ए इज इक्वल टू हाफ एंड आर इज टू बाई थ्री एंड फॉर द सेकेंड सीरीज ए इज टू आर इज माइनस वन बाई थ्री टू सीरीज वेरीफाई करो आंसर इसका नहीं आए पहले नौ टर्म्स छह टर्म्स का सम नौ गुना है ठीक है ना फाइंड द कॉमन रेशियो फाइंड द कॉमन रेशियो फाइंड द कॉमन रेशियो निकालो पास सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ अ जीपी इज नाइन टाइम्स द फर्स्ट थ्री टर्म्स तो लिख लेना ब्रैकेट में आर इज नॉट इक्वल टू वन आर वन के वन को छोड़ के और कुछ वैल्यू बताना है
मैंने देखा था कि अगर दो कोई ए भी दिया है ठीक है ना, अगर मान लो उसके हर एक टर्म में कोई कॉन्स्टेंट ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्टिंग जो सीरीज होती थी वो क्या होती थी, ए पी होती। क्या इधर वैलिड है जी पी का? वो सोचो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 4 8 और तुम मान लो 1 1 1 ऐड कर दो 3 5 नहीं जमा प्लस तो नहीं होगा बट मल्टीप्लीकेशन वैलिड है। हाँ मल्टीप्लीकेशन वैलिड है क्योंकि अगर मान लो तुमने कोई भी जी पी को एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो भी जी पी, अब कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा क्योंकि मान लो तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया पहले था ना ए ए आर अब है 5 ए 5 ए आर तो रेशियो तो अभी भी आ रही है
इनफिनिटी नंबर थ्रू डी की 2 और 6 दो तो 16 इससे हमारा ये तो पता चल जाएगा ठीक ना हां नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड सम ऑफ एसयूएम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम टेकन इन पेयर sum of product of them taken in pair is 156 then find the numbers sum of product of term taken in pair iska matlab kya tha sum of jo apne yaad hai wo theory of equation mein padhaya tha na isme matlab teen number hai a b c mein se statement se bhi sum of iska sum product of number taken two at a time दो दो नंबर दिया थे ए बी बी सी सी है उसमें क्या बोला दोबारा सम ऑफ मतलब प्लस ऑफ किसका प्लस करना प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम दिस इज बेसिकली व्हाट दे आर ठीक है दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके उनका सम करके दैट इज 156 करो Thank you.
देखो नेक्स्ट लेट फॉर अ जीपी लेट फॉर अ जीपी एलईडी लेट फॉर अ जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 4 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स हम तीनों नंबर का क्यूब करके फिर ऐड किया is 192 not three number ka sabhi ka let for a gp dobara read karo ek baar aur suno let for a gp sum of infinite terms is 4 and sum of their cubes is 192 then find the series sum of their cubes is 192 two variables two equations a aur r mein क्या हुआ जल्दी बताओ Thank you.
a upon 1 minus r. And at a series b, a, 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 r, a, r square and so on. This is given as, can you sum? 4? 4. अब इसी तो हमने टर्म का क्यूब किया था a क्यूब r की पावर 6 दिस इज अगेन अ जीपी बट इधर कॉमन रेशियो r क्यूब है और फर्स्ट टर्म a क्यूब है हमारा इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म इज a क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो r क्यूब दिस इज गिवन एज 90 190 अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं आती
इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही कंपाउंड से यार। मैथ एग्जाम से बच्चे को दोगे ना वो भी शायद कर लेगा, यहाँ का नहीं पता, महाराष्ट्र का बाहर क्वाड्रेंट है क्या वो, इसको डिवाइड करोगे एटा वैल्यू उठा के तेरे पा रहे हो क्या 64 इनटू 1 माइनस आर का हो गया, एक वन माइनस आर कैंसिल हो गया, इधर क्वाड्रेटिक बचा वो इधर मल्टीप्लाई होगा। देखो नेक्स्ट तुम्हारी मर्जी जैसे पढ़ना था। देखो नेक्स्ट
हमने नाइन का पता है ना हमें, तो हम क्यों ना अगर ये सारे टर्म नाइन होते, बट नाइन से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले उससे पहले हम क्या करें, सेवन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो पता है सीरीज उसकी हेल्प से हमें इसे निकालना है। हमें अगर सारे नाइन को, नाइन वाला सिस्टम होता तो हम कर लेते टेन माइनस वन, थाउजेंड माइनस वन, हंड्रेड माइनस वन, तो आई वॉन्ट ऑल दीज नंबर टू बी नाइन नाइन। उससे पहले मैंने क्या किया, ऊपर नीचे पहले सेवन कॉमन ले लिया,
ध्यान से देखो, अच्छा बोला इफ यू ऑब्जर्व किया कोई 3 5 7 8 है ना, तो मैं इसको ब्रेक कर लिया 3 प्लस 0.01, इसको 5 प्लस 0.001, इसको 7 प्लस 0.001, और इंटीजर्स को अलग कर लिया, उनको अलग कर लिया, तो 3 प्लस 5 प्लस 7, और जो पॉइंट वाला बचा उसको अलग से क्वेश्चन और लिख लो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन।
पॉइंट। बताना है किसी को, डिस्कस करना है किसी को, बताना है कि अपना मेथड अलग से करो, लेकिन आगे वाला जो बनेगा वो सीरीज नहीं बनेगा ना। पॉजिटिव वाले एक साइड लिखो, नेगेटिव वाले अलग लिखो, ये जो नेगेटिव वाले इधर जो कमी है सीरीज में उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट।